द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, ऐसे टोटल ऑलमोस्ट 28-29 पॉइंट्स है। यहाँ पर मैंने कुछ लिमिटेड पॉइंट्स आपके लिए लाए हैं, तो क्या क्या है उसमें, अग्निम जरण शक्त्या, बलम व्यायाम शक्त्या, श्रोत्रादिनी शब्दादि ग्रहणेन, विज्ञानम व्यवसायेन, क्रोधम अभिद्रोहेण, शोकम दैन्येन, हर्षम आमोदेन, धैर्यम अविषादेन, स्मृति स्मरणेन, अरिष्टे आयु क्षयम, आयु की क्षीणता। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको कि हम अनुमान के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अनुमान का महत्व मैंने बता दिया। अनुमान के ऊपर 15 मार्क का LAQ आता है, या कभी कभी 3 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। लिंग परामर्श पूछा जाता है, पक्ष सपक्ष विपक्ष पूछा जाता है, अनुमान के प्रकार पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पॉइंट विल सी हेत्वाभास। हेत्वाभास का वर्णन हम हेतु जब मैं बता रहा था तो हमने दो प्रकार के हेतु देखे थे, यथार्थ हेतु और अयथार्थ हेतु। तो उसमें सबसे पहले यथार्थ हेतु जिसको कि हम सदहेतु कहते हैं। तो सदहेतु हेतु में जब निम्न 5 गुण होते हैं तब उसे सदहेतु कहते हैं, और इसी के द्वारा हम अपना स्टडी प्रॉपरली, आज अपना जो रिसर्च है वो प्रॉपरली कर सकते हैं। ऐसे 5 गुण होने चाहिए। पहला है पक्षे सत्वम, यानी हेतु का पक्ष में रहना, उदाहरण पर्वत पर धूम की उपस्थिति। दूसरा है सपक्षे सत्वम, यानी सपक्ष में भी हेतु का रहना, उदाहरण रसोई घर में धूम की उपस्थिति। तीसरा विपक्षे असत्वम अवृत्तित्व, पक्ष विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव, उदाहरण सरोवर या जलाशय में धूम की अनुपस्थिति। चौथा है असत प्रतिपक्षत्व, साध्य के विपरीत अर्थ को सिद्ध करने वाले हेतु को प्रतिपक्ष कहते हैं। साध्य विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का अभाव होना, इसे असत प्रतिपक्षत्व कहते हैं। तो वहां पर हेतु में ऐसा प्रतिपक्षी हेतु नहीं होना चाहिए कि जो साध्य के भाव को सिद्ध करने के बजाय साध्य के अभाव को सिद्ध कर दे। यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है, पर्वत पर अग्नि, यह धूम हेतु की वजह से है। यह ठीक है, यह सही व्याप्ति है, करेक्ट है, लेकिन पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वर्षा हेतु है, तो ये क्या हो गया, ये प्रतिपक्षी हेतु उत्पन्न हो गया, उपस्थित हो गया, जो कि अग्नि का अभाव सिद्ध कर देगा। तो ऐसा प्रतिपक्षी हेतु नहीं होना चाहिए। हेत्वाभास में इसका एक प्रकार आया है, वहां पर हम उसके बारे में देखेंगे, सत प्रतिपक्षत्व वहां पर आया है। पांचवा है सदहेतु में अबाधित विषयत्व, प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा किसी प्रकार बाधित न होना, यानी जो वस्तु किसी एक प्रमाण से सिद्ध किया तो अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध होनी चाहिए। तो ऐसे 5 गुण सदहेतु के बताए गए हैं। नेक्स्ट इज हेत्वाभास। हेतुवत आभासन्ते दुष्ट हेत्व इति अर्थः, यानी यथार्थ रूप से हेतु न होते हुए भी जो हेतुवत प्रतीत होता है उसे अहेतु, हेत्वाभास या दुष्ट हेतु कहते हैं। 5 प्रकार बता दिए, सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध बाधितः पंच हेत्वाभासः। पहला प्रकार है सव्यभिचार हेत्वाभास। सव्यभिचार इसका वर्णन चरक ने वादमार्ग पद में किया है, पहले चरक के अनुसार देखेंगे। अत सव्यभिचारम, सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचरणम यथा भवेत इदम औषधम अस्मिन व्याधौ यौगिकम अथवा नीति। जो व्यभिचरित होता रहे, यानी निश्चित रूप से साध्य के साथ न रहे, उसे सव्यभिचार कहते हैं। इसका अर्थ अनेकांतिक है, जैसे किसी व्याधि में किसी औषधि का योग करने पर यह निश्चिंतता न रहे कि यह योग ठीक है या वह, मीन्स देर आर फ्लक्चुएशंस इन द ओपिनियन, सच टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन, सच टाइप ऑफ फ्लक्चुएटिंग हेतु इज कॉल्ड सव्यभिचार हेत्वाभास। अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह सव्यभिचारो अनेकांतिक सत्रिविध, साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात। अनेकांतिक हेतु सव्यभिचार कहा जाता है, अर्थात निश्चित रूप से जो अपने साध्य के साथ सतत न रहे, प्रत्युत कभी साध्य के साथ और कभी असाध्य के साथ रहे, उसे सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। म्हणजे हा याच्यामध्ये हेतु कधी साध्यासोबत असतो कधी साध्यामध्ये नसतो, पण अशा प्रकारच्या हेत्वाभासाला सव्यभिचार हेत्वाभास म्हणतात। आणि याचे 3 प्रकार सांगितलेले आहेत, साधारण असाधारण आणि अनुपसंहारी। तर पहिला प्रकार आहे साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। तत्र साध्य अभाववद वृत्ती साधारण अनेकांतिक अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, जिसमें हेतु साध्य के साथ भी पाया जाए और उसके अभाव में अलग अन्य वस्तुओं में भी पाया जाए, अर्थात हेतु जब पक्ष सपक्ष व विपक्ष तीनों में रहता है तब उसे साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर बताया है, पर्वत जो है, पर्वत पर अग्नि है, यह साध्य करना है, लेकिन यहाँ पर हेतु बताया है प्रमेयत्व, ज्ञान का विषय। अब ये जो हेतु प्रमेयत्व है ज्ञान का विषय, वह
बहुत सारी अग्नि के अलावा अन्य बहुत सारी विषयों में भी पाया जाता है, जल में पाया जाता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू कैन फाइंड दिस प्रमेयत्व हेतु। तो यह पक्ष में भी, सपक्ष में भी, विपक्ष में, सभी में रहता है। तो यह साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास हुआ। यहाँ पर क्लिनिकल एग्जाम्पल लेंगे, भास्कर हैज पार्किंसोनिज्म बिकॉज हिज मसल्स आर हाइपरटोनिक। नाउ दिस इज नॉट द कैरेक्टर, हाइपरटोनिक मसल्स आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पार्किंसोनिज्म, इट कैन बी फाइंड इन सो मेनी अदर डिजीजेस ऑल्सो। सो दिस इज कॉल्ड एज साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास। सेकंड इज असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारण। जो किसी भी सपक्ष और विपक्ष में न रहकर केवल पक्ष मात्र में ही रहता है उसे असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण, शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व हेतु है। तो ये जो शब्दत्व हेतु है यह पक्ष यानी केवल पक्ष में रहेगा, शब्द में, शब्द के अलावा इसका अन्य और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। तो यह हेतु सिर्फ पक्ष में चला गया, उसके बाकी अन्य यानी सपक्ष विपक्ष के कोई भी उदाहरण प्राप्त नहीं हो रहे, तो यह असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास हुआ। क्लिनिकल एग्जाम्पल क्या है, वातज प्रमेय इज इनक्यूरेबल बिकॉज इट इज ऑफ वात ओरिजिन। अब वातज प्रमेय इनक्यूरेबल बता दिया तो सभी चीजें वात के अंतर्गत चली गई, उसमें आप बाकी दूसरा कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं। तो यह असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास हुआ। तीसरा है अनुपसहारी हेत्वाभास, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित तो अनुपसहारी, अन्वय व्याप्ति व व्यतिरेक व्याप्ति के दृष्टांत से रहित जो हेतु है, क्योंकि हमने देखा है अनुमान या फिर लिंग परामर्श के लिए लिंग परामर्श के द्वारा अनुमिति की जाती है, तो उसमें हमें अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति इसके दृष्टांत जरूरी है। लेकिन यदि नहीं मिलते हैं ऐसे दृष्टांत तो वह अनुपसहारी हेतु है। उदाहरण क्या दिया है, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सब सर्व, अब यहाँ पर पक्ष क्या आ गया, सब, सभी जो है संसार की जितनी भी चीजें हैं वह अनित्य है क्योंकि प्रमेयत्व हेतु की वजह से, प्रमेयत्व हेतु होने की वजह से संसार की सभी वस्तुएं अनित्य है। अभी सब संसार की सभी वस्तुओं में सब चीजें आ गई तो उसमें आपको अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति का एग्जाम्पल नहीं दे सकते आप। तो यह इस प्रकार का हेत्वाभास अनुपसहारी हेत्वाभास है। क्लिनिकल एग्जाम्पल क्या है, ऑल द डिजीजेस आर कॉज्ड बाय आम, अभी सभी रोग जो है आम की वजह से होते हैं, एक बताया रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस दे सकते हैं इसमें, ऑल द डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द सप्रेशन ऑफ वेगास, रोगा वेगो धीरण धारण है वो जो बताया, रोगा सर्वेपि मंदेग्नो। तो ये सभी चीजें उसके अंतर्गत चली गई तो उसमें आप दूसरे को एग्जाम्पल नहीं दे सकते। अभी जो सव्यभिचार हेत्वाभास के हमने तीन प्रकार देखे उनमें परस्पर क्या अंतर है, साधारण सव्यभिचार इसका क्षेत्र व्यापक है, यह पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में रहता है। असाधारण इसका क्षेत्र संकुचित है, यह केवल पक्ष में रहता है। अनुपसहारी इसमें पक्ष ही सर्वव्यापी हो जाता है। सेकंड इज विरुद्ध हेत्वाभास, साध्य अभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध यथा शब्दो नित्य कृतकत्वाद घटवत इति। जो हेतु साध्य से व्याप्त न होकर साध्य अभाव से व्याप्त हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। अर्थात जो हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर उसके उल्टे उसके विरुद्ध निष्कर्ष को ही सिद्ध करे वह विरुद्ध हेत्वाभास है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, शब्द यह नित्य है क्योंकि हेतु क्या दिया है, कृतकत्व उत्पन्न होना घट के समान। अभी जो कृतकत्व यह हेतु दिया है, यदि हम यह हेतु देते हैं तो यह शब्द का अनित्यत्व सिद्ध करेगा, यानी जो हमें साध्य सिद्ध करना है नित्यत्व उसके अभाव को अनित्यत्व को सिद्ध कर देगा, तो यह विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। क्लिनिकल एग्जाम्पल देखेंगे, मिस्टर केशव हैज एलेमन लीजन बिकॉज द बेबिन्स्किन साइन इज पॉजिटिव। अब ये विरुद्ध हेतु आ गया क्योंकि बेबिन्स्किन साइन जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम या अपर ब्रेन फंक्शंस में पॉजिटिव आती है, एलेमन में नहीं आती है, तो ये विरुद्ध हेत्वाभास है। सव्यभिचार व विरुद्ध हेत्वाभास में अंतर क्या है, सव्यभिचार हेत्वाभास में हेतु साध्य के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ भी पाया जाता है, उसका साध्य के साथ एकांतिक संबंध न होने से वह साध्य को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं कर पाता, जबकि विरुद्ध हेत्वाभास में साध्य के ठीक विपरीत या उल्टा निष्कर्ष सिद्ध होता है। थर्ड टाइप इज सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, सदहेतु में एक आया था सदहेतु असत प्रतिपक्षत्व, तो वह सदहेतु है और सत प्रतिपक्ष यदि हो गया हेतु तो वह हेत्वाभास हो जाता है। साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत प्रतिपक्ष, यथा शब्दो नित्य श्रवणत्वात शब्दवत शब्दो अनित्य कार्यत्वात घटवत। साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु भी जब उसी पक्ष पर उपस्थित हो जाए तब उसे सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। तो यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, पहला उदाहरण है शब्द यह श्रावणत्व हेतु की वजह से नित्य है,
जैसे कि शब्दत्व, और दूसरा उदाहरण है शब्द यह कार्य होने की वजह से अनित्य है जैसे कि घट। तो यहाँ पर ये जो दोनों हेतु दिए है श्रावणत्व और इधर कार्य, ये दोनों हेतु एक दूसरे के ऊपर प्रतिपक्षित हो जाते हैं तो अनुमिति रुक जाती है, अनुमान प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के सत प्रतिपक्षित हो जाते हैं और साध्य के अभाव को सिद्ध करते हैं। यानी आप क्लिनिकल एग्जांपल देखेंगे, श्रीमती कमला इज प्रेग्नेंट बिकॉज शी हैज अमोनोरिया, बट हियर प्रेगनेंसी टेस्ट इज निगेटिव। सो आई मीन अमोनोरिया होने के लिए और भी बहुत सारे रीजन अवेलेबल है, आपको वो सर्च आउट करना पड़ेगा। तो ये आपका सत प्रतिपक्षित हेत्वाभास हो गया। 34 असिद्ध हेत्वाभास, तत्र लिंगत्वेन असिद्धो हेतुः असिद्धः। जब साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग किया जाता है जो स्वयं सिद्ध नहीं होता, तो उससे उत्पन्न दोष को असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तीन प्रकार बताए गए हैं, असिद्ध त्रिविधः, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्धो, व्यापत्वा सिद्धश्चेति। आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्यापत्व असिद्ध। सबसे पहले देखेंगे आश्रय असिद्ध हेत्वाभास। यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्, एग्जाम्पल दिया तर्क संग्रह में। जिस हेतु का आश्रय पक्ष न हो उसे आश्रय असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यानी जहां पर हेतु को आश्रय पक्ष नहीं मिलता है, ऐसा यदि हम वर्णन करते तो आश्रय असिद्ध हेत्वाभास है। एग्जाम्पल क्या दिया, आकाश कमल हा सुगंधित आहे, कारण त्याच्यामध्ये कमलत्व हा हेतु आहे, जसे की सरोवर कमल। आता स्वतः आकाश कमलाचा आश्रय सिद्ध नाही है, आकाश कमल का स्वयं का आश्रय नहीं है, वो दूसरे को क्या आश्रय देगा, वो क्या सिद्ध करेगा? तो इस प्रकार का जो हेत्वाभास है वो आश्रय असिद्ध हेत्वाभास है। एग्जाम्पल यहाँ पर श्रीमती कमला प्रोस्टेटिस इज इनक्यूरेबल बिकॉज इट इज वेरी क्रॉनिक। अभी प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट जो है वो मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, तो उसका आश्रय असिद्ध है। तो ये हो गया आपका आश्रय असिद्ध हेत्वाभास। सेकंड इज स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास, स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो गुणश चाक्षुषत्वात्। जिस हेतु का आश्रय तो हो परंतु हेतु उस आश्रय में न रहता हो वह स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास है। एग्जाम्पल शब्द हा गुण है कारण त्याच्यामध्ये चाक्षुषत्व है, जैसे कि रूप गुण। आता शब्द हा गुण है दैट इज करेक्ट, पण त्याच्यामध्ये चाक्षुषत्व आहे का? नाही, क्योंकि शब्द जो है वह सुना जाता है, देखा नहीं जाता, शब्द हा ऐकला जातो बघितला नहीं जात। तो यह शब्द का यह जो हेतु है वह उसके स्वरूप असिद्ध को सिद्ध कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज इट कैन बी सीन, सो दिस इज स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास। वी कैनॉट सी साउंड, वी कैन हियर साउंड। थर्ड वन इज व्यापत्व असिद्ध हेत्वाभास, सोपाधि को हेतु व्यापत्व सिद्ध। उपाधि युक्त हेतु को व्यापत्व सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अनुमान में साध्य यह हमेशा व्यापक व हेतु यह व्याप्य होता है, यह हमें पता है, पर जब हेतु यह व्याप्य न होकर व्यापक हो जाए तब उसे व्यापत्व असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। उदाहरण पर्वतो धूमवान वन्य। अभी यहाँ पर उदाहरण रिवर्स कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया है। रूटीन उदाहरण क्या है, पर्वतो वन्यमान धूमान, ये उदाहरण रेगुलर है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, पर्वतो धूमवान वन्य। अब यहाँ पर पक्ष तो पर्वत है लेकिन साध्य और हेतु इंटरचेंज हो गए आपस में। साध्य यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धूमवान, हेतु क्या है, अग्नि। तो जब ये इंटरचेंज होता है तब जहां पर हमें साध्य धूम सिद्ध करना है अग्नि हेतु की वजह से, तो वहां पर हमें उपाधि देनी पड़ती है, आर्द्र ईंधन संयोग या उपाधि देनी पड़ती है। तो इस प्रकार उपाधि देने की वजह से यह व्यापत्व असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है, क्योंकि हर जगह जहां 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 पर भी हेलो सर एक दोन मिनट शेवट से स्लाइड है सर, दोन मिनट सर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जहां पर यदि हमें धूम सिद्ध करना है अग्नि हेतु की वजह से, हमें वहां आर्द्र ईंधन की वजह से ही धूम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यह एग्जाम्पल रिवर्स हो गया है। तो योग्य व्याप्ति क्या है, पर्वतो वन्यमान धूमा, यह योग्य व्याप्ति है। यहाँ पर अग्नि साध्य यानी कि व्यापक व धूम यह हेतु है यानी कि व्याप्य है, और पर्वतो धूमवान वन्य यह अयोग्य व्याप्ति है, क्योंकि यहाँ पर धूम यह साध्य हो गया यानी कि व्यापक हो गया और अग्नि यह हेतु है। लास्ट इज बाधित हेत्वाभास, यस्य साध्य अभाव प्रमाणांतरेण निश्चित स बाधित, यथा वन्नीर अनुष्णो द्रवत्वाद इति। जिसके साध्य का अभाव प्रमाणांतर से पक्ष में सिद्ध हो उसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं। यानी जो वस्तु जैसा हमने देखा था सदेतु में अबाधित
अबाधित हेतु चाहिए, लेकिन यहाँ पर यदि बाधित हो जाता है कोई एक चीज अन्य प्रमाणों से वो बाधित हो जाती है तब तो उसे बाधित हेतु आवास कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, अग्नि यह शीत है क्योंकि द्रवत्व, क्योंकि उसमें द्रवत्व यह हेतु है, जैसे कि पृथ्वी इत्यादि अन्य द्रव्य, लेकिन अग्नि का जो उष्णत्व है वह हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है ऑलरेडी, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण से इसमें बाधा आ रही है तो यह बाधित हेतु आवास हो गया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर क्वाइट लिसनिंग। सो दिस एंड्स माय टुडेस टॉपिक। थैंक्स टू ऑल यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर कंडक्टिंग माय लेक्चर। थैंक यू। Thank you.